नमस्कार, मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा 24 का चौधरी कौन। हम निकले थे बागपत से, 1 अप्रैल की वो तारीख थी, और उसके बाद से हम लगातार उत्तर प्रदेश की अलग अलग सीटों पर जा रहे हैं और वहाँ का चुनावी मिजाज, वहाँ के मुद्दे, वहाँ के लोगों की समस्याएं और मौजूदा सरकार ने क्या कुछ किया उसका रिपोर्ट कार्ड आप तक पहुंचा रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं मथुरा में। मथुरा में जो उम्मीदवार है वो बड़ी दिलचस्प है। 2 बार से यहाँ हेमा मालिनी भाजपा के सिंबल पर चुनाव जीतती आ रही हैं। दोनों चुनाव उन्होंने 3 लाख से अधिक वोटों से जीता है। इस बार फिर एक बार भाजपा ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं बसपा ने सुरेश सिंह को उतारा है जो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से आए हैं वापस, और यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। लेकिन इन सब के बीच, उम्मीदवारों और दावों और पार्टियों के दावों और सरकारों के दावों के बीच, यहाँ पूरा गांव में मौजूद हैं, इनके मुद्दे क्या हैं, खेती किसानी कैसी चल रही है। सरकार कह रही थी कि 2022 तक आय दुगनी कर देंगे, उस पर जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ सोचते हैं। सुरक्षा, जिसको मौजूदा योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरे प्रदेश भर में ढोल पीट रही है, जिसका करीब सुरक्षा बेहतर हुई है, उस पर जानेंगे। छुट्टा पशुओं की क्या समस्या है, इन सब पर भी बात करेंगे और हालचाल थोड़ा सा पूछेंगे क्या कुछ चल रहा है माहौल। क्या नाम है चाचा आपका? रणवीर सिंह। रणवीर जी, क्या लग रहा है इस बार का चुनावी माहौल? पहले माहौल वहाल छोड़िए, गांवों की क्या स्थिति है? स्थिति गांव की, सरकार का विरोध है क्योंकि पशु फसलें उजाड़ देते और बिजली को बिल इतना कर दिया है, कभी सुसर चुकी ना पा रहा, रोज कभी बारंट कभी जेल फसल तो उपारना पड़ रही, इतना बिजली का बिल कर दिया है। और रोजगारी बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि नौजवान जो भर्ती देख वे डोलो कर तक आए, वो एक अब तैयार ना है। घर घर पकौड़े बेच रहे नौजवान, गली गली में रोज पकौड़े नवाए घूम रहे, पकौड़े बिकवाए दे यानी पूरे देश पे। और ये बदलाव होना चाहिए। और हमारा तो, हम तो खैर शुरू से चौधरी साहब के अनुयायी रहे, किसान थे, किसान की बात करते थे, हम भी किसान हैं। अब हमारी बात करने वाला हमारे क्षेत्र में अब कोई नहीं बचा। अब हम ये विचार करेंगे कि हमारी कौन मदद कर सकता है। हेमा को तो हम दो बार से सांसद है, आज तक हमने कहीं भी ये नहीं देखा सुना कि किसान की भाई नहर की सिंचाई के लिए पानी छुड़वाया हो, के कोई सफाई करवाई हो, कभी दर्शन नहीं किए। और वो एक मोदी लहर में निकलती रही, अब तो यहाँ जनता परिवर्तन ला रही है। मोदी जी कह रहे हैं इस बार भी मेरी ही लहर है, उनके कहने से वो अगर लहर मानते तो जयंत चौधरी को नहीं पकड़ते, लहर मानते तो पहले भी पकड़ा था 9 में, फिर छोड़ दिया, अब मंच पर नहीं चढ़ने दिया। उसमें जो है कौन से मंच पे नहीं चढ़ने दिया, बकायदा बराबर बराबर खड़े होकर बोल रहे हैं। अरे वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी से ठीक ठाक रिश्ता है मेरा। कल की तारीख में जो सभा थी वहाँ लोकदल का कैंडिडेट कोई चौहान करके है, क्या करके है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं पहुँचा, योगी जी पहुँचे हैं। वहाँ की जनता पूरी वापिस हो गई, लोकदल को छोड़ गई और वो अपने बीजेपी को छोड़ करके अलग अलग जहाँ। अच्छा, आप करें पुराने चौधरी जी के प्रशंसक रहे हैं, यानी अजीत सिंह और उसके पहले चौधरी चरण सिंह और फिर अब जयंत। जयंत ने ऐसा क्या कर दिया कि आप उनसे छिटक रहे हैं, मतलब उनसे दूर जा रहे हैं? जयंत ने जो अब तक अपनी छवि जो बनाई, पार्टी संगठन जो खड़ा किया, बिल्कुल 0 से 9 विधायक निकले और राजस्थान में भी 1 विधायक निकला, उन सबको दरकिनार करके पता नहीं क्या हो गया। और वे एक भारत रत्न तो थे ही चौधरी चरण सिंह, 10 साल से क्यों नहीं दिया, 10 साल से एक भी पुष्प अर्पित नहीं किया चौधरी साहब की समाधि पर, न योगी ने न मोदी ने। ना ना, ना जब जिन जन्मतिथि पुण्यतिथि रहती थी तो जो सभा, जिसे लोकसभा में तस्वीर लगी रहती थी तो लोकसभा में जाते थे प्रधानमंत्री, विधानसभा में मुख्यमंत्री जाते थे। हाँ, तो अखबारों में टेलीविजन चैनल पर किसी पे ये नहीं दिखाया गया 10 साल में कि मोदी जी ने ये 2 पुष्प अर्पित लोकसभा में किए, योगी जी ने विधानसभा में किए। आपको लगता है ये सब मुद्दे भी रहते हैं जब आप वोट डालने जाते हैं, ये सब देखते हैं आप, सभी सब दिमाग में चल रहा होता है? बिल्कुल रहते हैं। ठीक, क्या नाम है चाचा आपका? कप्तान सिंह। कप्तान सिंह जी, ये तो चाचा कह रहे हैं कि हम पक्के चौधरी साहब के प्रशंसक थे, लेकिन जब से उन्होंने समझौता कर लिया है और हमारे लोगों को सम्मान ही नहीं दे रहे हैं, क्या करें, जयंत कहें RLD ने जिस हिसाब से ग्रो किया था जयंत ने, उससे दूर जा रहे हैं, अब हम उनसे भी दूर जा रहे हैं। क्या लग रहा है, सही कह रहे हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पर? ठीक कह रहे हैं। क्या ठीक कह रहे हैं?
क्या मसला हो गया जैन चौधरी से? मसला ये है वो के जा जेठते न्यारी भाई बुई बटन में आएगो, थोड़ा समझाइएगा हम वहाँ की लोकल लैंग्वेज में आप कुछ कह के निकल जाइए, पता चला हमें पता ही ना चले। बीजेपी तो न्यारे चल लिए हम भाई, में तो मसाज भी है तो बताओ कैसे चलेगा भाई सब मामलो। ये तो बुडो बन गो हमारी 23 मतलब जे के साहब आमित बोला चाले में तो बन्नारी बोल 6 महीना साजे ही रहले, तो वो साजे राखे के फिर का हमें तो का ये 13 को कर देंगे बीजेपी बारी, कुछ नहीं कर पाएंगे पोए न गाय न कोई इतना बड़ा नुकसान हो पूरे क्षेत्र में के मतलब जे के गाय 1,800 सबरी फसलें नष्ट कर देते। 15-15 लाख रुपया को मोदी ने शुरुआत में लाखों दियो, 15-15 लाख रुपया जीरो बैलेंस भाई खाते में मांगे, आज तक कहो कि 15 रुपया हो तो बताओ। वो तो कहते हैं घर बनवाने के लिए हम 2 लाख रुपए दे रहे हैं, टॉयलेट बनवाने के लिए दे रहे हैं, ठीक है उनका जो कहना है वो मैं बता रहा हूँ बस। वो नहीं बिनो को कह वो अपनी जगह पे तो कंगे प्रचार हम तो जन कहना है तो पूरा किसान मैं तो अपने ऊपर अनुभव कर रहा हूँ कि इतना कर्ज में डूबे हो कि आगे कर्ज और मर्ज दो बिगड़ गई, खाली फर्ज काज लड़ रहो स्वामित्व तो न चले जा जमीन को उन्हें सौदा रहो कछू ना कटोरा दे दियो, कटोरा तुम देख रहे हैं सब पत्रकार देख रहे हैं एक कटोरा ही तो सिर सिर बन ना जाए और बाजार और गेहूँ मिलने आई तो वोट दे रहे हैं आगे सिर सिर बन ना जो कुछ आ रहे राशन कार्ड भाई बार डीलर ते फौरदाई कर रहे ना जो मुँह ना दियो कब चना दे दियो यहाँ तक बात है नौ ना क्यों थैली ना मोदी छुपे रहो तो नो जहाँ नोन में लोग नोने खा के तो भाई भाई तो जीत नहीं जीत और बाजरों में लोग भरे गर्मी ने सब बाजरों में लोग बाजरे ले भैया कहा कर नहीं खबर के बाजरे को कट्टा माते ले आए और मोटरसाइकिल बदल ले गए और माँ बेचाए वो रमे। ये क्या कह रहे हैं मैं थोड़ा समझा दूं क्योंकि यहाँ ब्रज की भाषा है, ये कह रहे हैं कि जो कोटेदार यानी कि जो यहाँ स्थानीय तौर पर राशन कार्ड राशन देते हैं वो दे रहे हैं जिनको भी मान लीजिए जिनके जिस हिसाब से यूनिट है बीपीएल और उन तमाम लोगों को जो राशन के लाभार्थी हैं वो राशन वहाँ से कोटेदार के यहाँ से ले रहे हैं, राशन जो डीलर है उसके यहाँ से ले रहे हैं उठा रहे हैं सरकार का राशन और उसके बाद मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे हैं गाड़ी पर अपना वो झोला रख दे रहे हैं और बाजार में जाके औने पौने दामों पर बेच दे रहे हैं, चामर बेच रहे हैं। अच्छा एक चीज बताओ कि जब जी राशन ना मिलतु या मोदी सरकार ने राशन चलाया राजस्व विभाग का तो काफी नुकसान हो रहा है इससे। लेकिन सुनो एक मिनट मेरी सुनो, बहुत ज्यादा नुकसान है रो है। और शेर बनना जाते यहाँ का है जब का जी रोटी ना खाते किसान। अच्छा, आपको ये आप अपने गांव के हिसाब से करें देश के लेकिन बड़े हिस्से में एक बड़ी आबादी ऐसी भी है जिसके पास ना खेत है ना कुछ उस तरह की संपत्ति है। कोरोना के समय में सरकार को लगा ये योजना चालू करनी चाहिए, उन्होंने मदद के दृष्टिकोण से चालू किया, पर उस व्यक्ति को मतलब जो गरीब है जिसके आपके पास तो मान लीजिए फिर भी खेत है, जिसके पास गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास खेत नहीं, वो कहां से अनाज लाएगा? पहले कहां खाते भी पहले तो कुछ खाते भी भूखे मरते भाई जैसे पहले को जा रहे ऐसी पहले भी तो अनाज मिलता ही था, ऐसा नहीं था नहीं मिलता था, पहले ये था कि पैसे लगते थे कुछ थोड़ा सा यूनिट के हिसाब से, अब यूनिट की यूनिट भी बढ़ गई और कोरोना में आ जाओ इधर आ जाओ। हाँ हाँ दूसरी बात ये है कि किसान की देखो डीजल महंगो, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगी, अगर किसान ये सब भी मुद्दे रहेंगे आपके लिए ठीक है। क्या नाम है? हाँ सुनो अगर आदमी नियम के अनुसार या फसल में तो अगर बिल नहीं भरे ना बिल ने जो बिल जो आते हैं ये बिल न भरे जाएंगे जो काम न है रो किसानों को कर्ज तेरो जितना कर्ज ढो लेते भी कोई काम कर लेते ठीक। हाँ बताइए क्या नाम है आपका? नरेंद्र। नरेंद्र जी आप पीछे से कुछ बोल रहे थे, क्या कह रहे थे? ये बोल रहे कि मजदूर मजदूरी इतनी बढ़ गई तो मजदूर को पेट ना भर रहा किसान को आधो 40% तो मजदूरी में जा रहा है तो यार किसान की पैदावार को पैसा क्यों ना बढ़ा रही सरकार? सरकार तो कह रही कि हमने उनको उन्होंने जो दावा करे कि गेहूं का MSP जो होता है समर्थन न्यूनतम समर्थन मूल्य वो बढ़ा दिया है, कितना क्या परसेंट बढ़ा दियो है वो सीमेंट पे खाद पे कितना पैसा बढ़ रहा है कितनी परसेंट बढ़ रहा है गेहूं पे क्या परसेंट बढ़ाया है? इस बार गेहूं का क्या रेट है कुछ अनुमान लगा? 2275 है। और लागत कितनी लग रही है? लागत 6,000 रुपया बीघे तो कटाई जा रही है, 2,500 रुपया बीघे की इकट्ठी है रे, 1,500 रुपया बीघे की कुटाई जा रही है और 4,000 रुपया में भूसा किसान को घर आ रहा हूँ मजदूर थे और खाद और ट्रैक्टर की तो किसान को बचका रहा है, बच नहीं रहा है किसान को, कहाँ बच रहा है? नहीं ये तो आप बताएंगे ना, मैं किसान ही हूँ करता नहीं इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ। किसान को कछु ना बच रहा, खाए बेला का दाने ना बच रहे, इनने देखा तो वो चारपाई खड़ी है गैया रखा रखा तो सीधी चारपाई को और पाए बम साबित ना आया माते। ये कह रहे हैं कि किसान जो छोटा पशु है वो उसका उससे अपना खेत संभालते संभालते वो जो चारपाई थी वो टूट गई है ना वो खड़ी
और अब देख के आओ, एक भी पाया शेष नहीं आया उसमें। पाया मतलब उसके जो चौपाए हैं, यानी कि जो ये उसके जो पैर है वो टूट गए हैं। सब टूटे, वो टूटी वही खड़ी हुई है। इतना ज्यादा परेशान कर दिया सरकार ने, पूरे झाड़े मतलब खेत पे डरे डरे है। और माते जब जाके गेहूं रखे ना, बिन्नू गैया खाई गई। अच्छा ये बताइए, सरकार कह रही है, जो स्थानीय सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार, वो कह रही है हमने गौशालाएं बनवाई हैं, हमने कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिससे लोग अगर घर पर भी पशु रखना चाहें तो हम उनको भी पैसा सहयोग कर रहे हैं। इसका जमीन पर, वो तो सरकार का दावा है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ऐसी कोई स्थिति आपके इलाके में आपके आसपास है? हमारे यहाँ तो कम से कम 15 किलोमीटर के दायरे में कोई भी गौशाला नहीं है। सब इतना छोटा पशु घूम रहा है, इसका कोई जवाब नहीं। 10 गायें और 50 साड़े मांस नू मार रहे हैं। अब किसान न्यू हमलावर हो रहे। अच्छा ये चीज ये बताइए, जब आप वोट डालने जाते हैं तो क्या खेती किसानी खाद बीज गेहूं का दाम कितना है ये सब देखते हैं कि अपना जाति का व्यक्ति देख कर चले आ जाते हैं? ये तो भैया कछु ना देगा, पब लेके जाकाऊ को और रो चल लो तो कोई कहूँ जा रहा हो कोई कहूँ जा रहा हो, वोट तो कौन काऊ को दे नहीं है। ऐसो वर्ग खड़ो कहाँ आ रहा जो किसान नहीं समस्या धरे। ये लोग चुन चुन के चले जाते, अपनी जेब बढ़ते, बाकी की जनता मरते रहो, सेल पोस खाते रहो। अच्छा इनका एक दुख है कि लोग खेती और किसानी के विषय में उस तरह से खुलकर बात नहीं कर रहे हैं और उस पर और लोगों से जानते। क्या नाम है चाचा आपका? धर्म सिंह। धर्म जी, ये लोग बहुत बहुत नाराज लग रहे हैं खेती किसानी और छुट्टा पशुओं से। रात भर रहेगा आज मुए। हाँ, पर वोट डालने जाते हैं खेती किसानी ये सब याद आता है कि अपना जाति का नेता याद आ जाता है? जाति को नेता एक दंगे वोट, जाति का नेता। तब फिर आपके लिए वो काम क्यों करे? वो तो कह रहा है हम फला जाति के हैं। मान लीजिए आपकी कोई जाति है, अरे सुन, अरे चचा हमारी भी बात तो सुन लो। आप कोई भी जाति है उसके लिए तो आपने कह दिया कि हम जाति के नाम पे वोट देते हैं, तो फिर आपका वो काम क्यों करे जीतने के बाद? जीते हम तो साहब आगे देंगे कड़ेरा की। हाँ हाथी को वोट देंगे? काहे क्यों, कैसे क्या कर दिया हाथी? जाति का इसलिए ना, जाति। तब आपके लिए मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं है? हाँ। अरे चचा इनको भी तो बोलने दो, ये तो यही कह रहे ना। मैंने कुछ उल्टा सीधा कहा हो बताइए, इन्होंने तो यही कहा ना कि जाति देख के वोट करते हैं। जाति जाति को देंगे ना। अब बताइए ये तो कह रहे हैं कि जाति देख कर वोट करते हैं, तो फिर आपका चौपाया टूटे आपकी खटिया टूट जाए, उसे क्या लेना देना नेताओं को? सही बात है भैया, लेना देना तो तीनों मिलने। अच्छा ये बताओ, आप वोट दे रहे हो जाति के नाम पे, ठीक ना? हम जाति के नाम, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो फिर आपका खाद टूट जाए या चौपाया कोई उठा लेकर चला जाए, चाचा के साथ पेड़ तो लटक रहे हैं उसके। भाई जब आप खेती किसानी के नाम पे वोट दोगे तब ना उसमें समस्या सुनेगा कोई? सही बात है। अरे चाचा जो पढ़ा लिखा हो चाहे ना पढ़ा लिखा हो, जो कीमत इनकी वोट की कीमत है, जो आपके वोट की कीमत है, वही वोट इनकी कीमत। और देश में जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जो पुराने लोग हैं वो ज्यादा समझते हैं अपने वोट की कीमत, वोट भी डालने जाते हैं। अरे ये सब मत बहकाइए चाचा, आपकी बात सुन लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण सिंह। करण जी ये तो ये लोग तो अब ठीक ठीक मामला सामने आया, खेती किसानी तमाम समस्याएं हैं वो बता भी रहे हैं, लेकिन वोट डालने जाते हैं जब पोलिंग बूथ के अंदर वो बटन दिखता है कहते हैं जात याद आ जाती, जात के नाम पे दबा देते हैं। नहीं नहीं जात के नहीं, हम तो ये जो होशियार चतुर नेता होते हैं उनको नाम पर देते हैं। होशियार चतुर कैसे पहचाने कोई होशियार? जैसे जो मेरा दर्शक देख रहा है वो कैसे जाने कि कौन नेता होशियार है कौन चतुर? अपने क्षेत्र में मालूम होता सबको हमारा काम कौन कर सकता है, कौन कर सकता है, कैसे होशियारी का क्या है मापदंड? दो बार से तो आपने ऐसे सांसद चुन लिया आप, मतलब आपकी विधानसभा ने लोकसभा ने जिसको 3-3 लाख वोटों से जिताया है, तो वो होशियार नहीं है? नहीं होशियार तो थे, उन्होंने दुरुपयोग किया जनता के वोट का। हाँ जीत तो गए वे। हाँ जैसे हेमा मालिनी जी, उन्होंने कोई काम नहीं किया हमारे मथुरा जिले में, कोई भी काम नहीं किया है। और जो सरकार के पास जो पैसा है, मैंने 100 रुपए है सरकार के पास, तो 100 में तो 81 रुपया विदेशों का कर्ज है हमारे पर, 19 रुपया हमारा है, हम सब पर कर्ज है, हम सब परेशान है। गायों को रखाते हैं कम से कम 20 हजार बाद मेरे उठेंगे, बीमार है वो में। अब 20 किमो पर गेहूं ना है, 15 हजार गेहूँ बैठे, 20 हजार 5 हजार माइनस में गए। 20 हजार क्या किया आपने? 20 हजार खर्च किया, 15 हजार का आप गेहूँ बेचेंगे, 5 हजार आपका खाता है। वो कर्जदार हो गए हम। सरकार भी तो 6 हजार रुपए देती है आपको केंद्र सरकार। किसके? जो किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपए की 3 किस्त आती है साल भर में। वो 6000 क्या काम करेगी ना, 20 हजार तो बीमारी उठ गई ना गायर खाने में, तो 6000 का मान फिर भी 14000 माइनस में गए हम। वो कह रहे पहले कोई सरकार नहीं दी है, देखिए हम किसानों के लिए इतना सोचते हैं, हमने 2000 रुपए की 3 किस्त दी है। सबसे बड़ा संघर्ष गायों का है हमारे यहाँ, छोटा पशुओं का, छोटा पशुओं बहुत ज्यादा जबरदस्त नुकसान है ये बड़े पैमाने पर है।
और इस बार का चुनावी मुद्दा रहेगा, पिछली बार भी मैं 22 के चुनाव में घूमा था, जनता ने खूब कहा छुट्टा पशु छुट्टा पशु छुट्टा पशु, वो कह रहे हैं ये समस्या है, सरकार भी मानती है अंदर खाने दबी स्वर में, हाँ ये समस्या तो है, किसान जी से जूझ रहा है, कई घटना भी हो गई हैं किसानों के साथ, स्वाभाविक है वो हम जा रहे उन्होंने कई किसानों को मतलब चपेट में ले लिया, लोग जब वोट करने जाते हैं तो उनको अपना जाति याद आ जा रहा है, अपना धर्म याद आ जा रहा है, सब तो सब सुन रहे हैं, जाटों में गोत्र भी याद आ जाता है कि कौन से किस गोत्र का व्यक्ति है, ऐसा भी क्या मामला होता है, ये तो लगाव थोड़ा बहुत सबका रहता ही है, लेकिन फिर भी आदमी अच्छा प्रत्याशी देखता है उसी को चुनता। अच्छा आपको नहीं लगता अगर जब तक लोग जाति के नाम पर धर्म के नाम पर वोट देते रहेंगे तब तक आपके कुर्सी की चौपाया टूटे या कुर्सी ही लूट जाए कोई मतलब नहीं पड़ता नेताओं को? नुकसान तो होगा, पर जाति के नाम पर नुकसान होगा, निश्चित होगा नुकसान ना, ठीक है। क्या नाम है चाचा आपका? चंदन सिंह। चंदन जी आपने सबको सुन लिया जी। ये लोग कैमरा देखकर ऐसा बोल रहे हैं कि सच सच इनके मन की वही आवाज निकल रही है? बिल्कुल सही सही बोल रहे हैं। हाँ जो भाई बीती है बहन कह रहे हैं ये लोग। हाँ क्या बीता है? सभी परेशान है, आते हम परेशान है। हाँ। भाई दिन रात जगह भत्त डोलो बजा रहे ने बजाओ, खेती खाए गए कछु ना है रो, भाग दौड़ रहे हैं, परेशान है रहे हैं। मोदी कह रहे हैं कि ये देश बनाने का चुनाव है, देश बनाने का, बिगाड़े भी को हाँ। मोदी कह रो का है बिगाड़े भी को है, सब देश बिगाड़ दिया के, ये सिर भर दे के चावल दे के सबन बेकाम मतलब कचुना। जो मुफ्त चावल आप बांट रहे हैं ये कह रहे हैं कि थोड़ा ब्रज है तो थोड़ा समझना पड़ेगा कि मुफ्त चावल, हमें भी बहुत ज्यादा क्लियर समझ नहीं आ रहा है कई बार, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो राशन फ्री में दे रहे हैं उससे मजदूरी, लेकिन जो गरीब है उसको तो मिलना चाहिए ना, सरकारें तो उसके लिए नहीं काम करेंगे, तो किसके लिए काम करेंगी? नहीं गरीबों को आयरो आते कछु ना आयरो, उसे नहीं दिया, वो गरीब नहीं रह गया। अरे भैया ठीक है सुन लिया नरेंद्र जी, आपको दूसरों की सुन ले, हमें पर रो है 100 रुपया नहीं लड़ना है अगली बार, हमें 100 रुपया मिलेंगे और मजदूर है 400 और 500 मिल रहे। अच्छा मजदूर कहाँ घाटे में, घाटे में तो किसान हुआ। अच्छा किसान है क्या भाई, क्या नाम है आपका, इधर आइए आप लोग। अरे हाँ यार बोल, युवा नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा, क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल ये आपके बड़े बुजुर्ग जो हैं वो बहुत कुछ कह रहे हैं, पहले तो ये बताओ क्या पढ़ाई कर रहे हो और अब क्या कर रहे हैं? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? तैयारी चल रही है। किस चीज की? SSC वगैरह, पुलिस वगैरह की। पुलिस वगैरह की। क्या स्थिति है सरकार, जब आप लोग वोट देने जाते हैं तो क्या सोचते हैं? अभी वोट ही ना बनी हुई, तो कितनी एज हो गई मेरी? अब बनेगी और 18 होगी। 18 अभी जस्ट पूरा किया, अभी जस्ट आपने इंटर पास किया है। अच्छा जब वोट डालने आपके आस जो जिनका भी वोटर लिस्ट में नाम आया है वो लोग क्या देखते हैं? जाति होती देखते हैं, जो किसानी खेती की समस्या वो देखते हैं, कि रोजगार और इन सब पर बात करने वाले जो लोग हैं उनके दावे उनको उस पर सुनते हैं? अब ये कि इनकी यही जान है जो वोट देवे जा रहे का। अरे जो आपके आसपास जो दोस्त है वो हम तो सबका जो देखता है जात वगैरह सब कुछ जाति देखता है। आपको लगता है आज समय में 2024 में जब पूरा सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल वर्ल्ड हो गया है, उसमें जाति मैटर करता है, जाति महत्वपूर्ण है? नहीं नहीं जाति महत्वपूर्ण इतना नहीं है। आप जैसे युवाओं के क्या मुद्दे है, जो मथुरा के रहने वाले लोग हैं उनके क्या? हमारे मुद्दे यही है कि नौकरी वगैरह निकाले। अरे चाचा थम जाओ सुन ले और लोगों को, नौकरी वगैरह निकाले, वैकेंसी वगैरह दें, रोजगार दें, बस ये समझ ये आपके मुद्दे रहेंगे। मौजूदा सरकार को आप कैसे देखते हैं? मोदी जी की 10 साल बीत गए हैं, फर्स्ट टाइम वोटर को वो बहुत कुछ रिझाने की कोशिश करें, सभी पार्टियां रिझाने की कोशिश कर रही हैं, पर फर्स्ट टाइम वोटर को ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आप लोग आपस में क्या चर्चा करते हैं? सरकार के 10 साल बीते हैं, आप छोटे रहे होंगे जब पहली बार वो सरकार बनाए होंगे, अभी आपको क्या लग रहा है क्या स्थिति है, किसकी चर्चा अच्छी सबसे ज्यादा बेहतर हो रही है आपके यहाँ? बेहतर तो मोदी जी की हो रही है। क्या उसने कर दिया, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है? बहुत कुछ किया उन्होंने, जैसे ये आपके चाचा लोग कर रहे कुछ नहीं, देश बर्बाद कर दिया, कर्जा लाद दिया, आप कह रहे अच्छा कर दिया, कर दिया उन्होंने के हिसाब से, वो बुजुर्ग हैं उनको ज्यादा पता है, हमें तो इतना ही पता है कि ठीक कर रहे हैं। क्या ठीक कर रहे हैं? जैसे आप कह रहे हैं ठीक कर रहे हैं, जैसे आपको टी शर्ट पसंद आई होगी तो इसका कलर पसंद आया होगा, इसकी कंपनी पसंद आई होगी, या तो दुकानदार ज्यादा डिस्काउंट दे रहा होगा तब पसंद आया होगा, तो कुछ तो कारण होगा ना सरकार को आप पसंद कर रहे होंगे। बस अच्छी लगती है सरकार, पसंद किया इसमें। अरे भाई कुछ तो अच्छी लगी, स्मार्ट वॉच लगाया है किसी कंपनी का, ऐसे थोड़ी अच्छी लग गई खरीद लिया। हाँ तो ऐसे ही है अच्छी, क्या अच्छा लगा? अरे कुछ क्वालिटी भी तो दिखती होगी। धर्म के नाम पे अच्छा है, अच्छा कर रहा है हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के लिए अच्छा कर रहा है। आप वोट करने जाते हैं ये सब देखते हैं? अच्छा ये सब देखते हैं। तो ये देखिए मिक्स वाइस आई यहाँ के जो लोग हैं, पहले तीनों ने खेती किसानी से शुरू किया, पूरा गांव के लोगों ने खेती किसानी छुट्टा पशुओं पर खूब चर्चाएं की, जब मामला अंत तक खुला थोड़ा सा तो बताने लगे कि जाति भी महत्वपूर्ण है, फिर कुछ लोगों ने कहा कि किसान जो छुट्टा पशु हैं उसमें वाकई एक बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में है, ऑफ कैमरा सरकार भी इस बात को मानती है और उसके दावे हैं को लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन युवा जो फर्स्ट टाइम वोटर है जो इस पूरे चुनाव में डिफरेंस पैदा करने की स्थिति में आने वाला है
उसकी क्या सोच है? राहुल जैसे जो युवा हैं, राहुल ही आपका नाम ना था भाई, राहुल जैसा जो युवा है वो कह रहा है कि हम धर्म के नाम पर भी वोट करते हैं, मोदी अच्छा काम किए हैं, पर 4 जून के चुनावी नतीजे बताएंगे कि पूरा गांव के लोग जो कैमरे पे कह रहे हैं उन्होंने वोट डालने के दौरान खेती किसानी इस पर वोट दिया, जात के नाम पर वोट दिया, या राहुल जैसा युवा जो कह रहा है मोदी ने धर्म के लिए अच्छा किया, हिंदू धर्म के लिए, उस पर वोट किया। आपको चुनावी नतीजे हम पहुंचाएंगे और हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा, देश का मिजाज कैसा है, 24 का चौधरी कौन बनेगा, हम आपको लगातार लाते रहेंगे। नमस्कार।